एक्सेप्ट किया था कि मैं जब मुंह का अभिनय शुरू किया था तब मैं इस अपने पेंटर दोस्तों की साथ हर रोज जाके मैं देखता था कि मुझे लगा था कि ये जो कला है मुंह का अभिनय इंग्लिश में जिसको माइंड कहते हैं इसके साथ पेंटिंग और स्कल्पचर का बहुत संबंध है। ये वी आर पेंटिंग थ्रू आवर बॉडी ऑन द स्टेज, we are making pictures. Our sculpture is a movable sculpture on the stage, because when in the exhibition you put your sculpture in a center place and audience move around their sculpture, but our audience sits one place, so we move our sculptural postures for the audience to look the beauty of our body posture and gestures टू ड्रॉ दिस पिक्चर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सारे जो पेंटिंग कॉलेजेस है, आर्ट एंड गवर्नमेंट आर्ट कॉलेजेस है, ऐसा बहुत स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर है, ऐसा बहुत सारे जाए इंस्टीट्यूशन में जाके मैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए कि मैं उनके साथ जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत एक इंटर रिलेशन है हर कला के साथ, एक संबंध जो है ये बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है, और जो कलाकार अपना अपना फील्ड में काम करते हैं उसको भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज औरंगाबाद में एक बार लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो ये 500 स्टूडेंट का एक लंबा क्यू था, जो मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लंबा क्यू में खड़ा हो गया था, जो कोई पेंटर इतना पेंटर लोगों को बुलाता है किसी के लिए इतना लंबा क्यों नहीं हुआ था ऑटोग्राफ कलेक्शन करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ऐसा जितने बड़ौदा में जो पेंटिंग कॉलेज है वहाँ देते थे, मेरा बहुत सारे पेंटर दोस्त है, यहाँ पर भी है एक दो यहाँ पर भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहला जो आइटम आपको मैंने दिखाया, ये आइटम जो है ये पापेट है, कठपुतली है जो धागा से बंधा हुआ रहता है। तो ये हमारा जो इसका पीछे जो आइडिया है, ये एक इनविजिबल जो सुपर पावर है, एक इनविजिबल थ्रेड सबके शरीर में बंधा हुआ है, लिमिटेशन अपना लिमिटेशन से, जब कलाकार उससे बाहर कोई कमा कलाकार हो, कोई समाज सेवी हो, समाज सुधारने के लिए कोई कानून तोड़ के नया कानून बनाने के लिए कोई काम करने चाहते हैं तो उसके बहुत मुश्किल के सामना करने पड़ता है। तो एक इनविजिबल जो वो जो पावर सुपर पावर है इनविजिबल थ्रेड से हमें बंधा हुआ है उसे छोड़ के निकालने का कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसको दूसरा आदमी आके फिर उसको कोशिश करता है कि फिर धागा में अपना धागा में बांधने के लिए, तो और एक लड़ाई जारी है। तो ये हमने ये पापेट जो एक आइटम है माध्यम से हम एक कहने का कोशिश दिखाने का कोशिश किया है, तो जिसके समझ में आता है तो वो समझ कर लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है देखने में सुंदर लगता है अच्छा लगता है। तो ये मेरा मुखा अभिनय का करने का उद्देश्य है, शायद फिलोसॉफी भी है मुखा अभिनय का। मुखा अभिनय जो है इसमें डायलॉग नहीं है, ऐसा डायलॉग हम लोग यूज़ भी करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, शेडो शेडो पा शेडो माइम सिल्यूट माइम मास्क मुखौटा पिन के माइम इतना जितना हो सकता है, जैसा थिएटर फॉर्म में इंडियन माइम थिएटर में
हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और बहुत सारे, जैसा अभी टीवी वालों हमें पूछा है जे माइम इतना डेवलप नहीं हुआ है, हम बोला अभी पेंटिंग भी इतना डेवलप नहीं था जैसा आज डेवलप हुआ है। इसका पीछे जो हमारा देश पत्रिका है वो पहले शुरू किया था बंगाल में, एक एक पेंटर का एक एक पेंटिंग देके उसके बारे में लिखा था मैगजीन में, वीकली मैगजीन में। इस तरह से शुरू होते होते अभी पेंटिंग इतना आगे आ गया है। कला माइम का भी इतना अभी मीडिया का इतना प्रचार नहीं है, न्यूज़पेपर में पेंट कलाकारों का लिए, परफॉर्मिंग आर्टिस्टों के लिए पेजेस नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं लिखता है एक तरीका से आदमी को, आम आदमी के पास पहुंचने के लिए। ये सब बहुत सारे कारण है माइम का डेवलप नहीं गया है। फिर भी 50 साल हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कंटेम्पोरेरी जिसको मुकालीन माइम है इसको डेवलप करने के लिए। अभी बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है इसका चर्चा, हम नेशनल लेवल पे माइम का फेस्टिवल भी कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यूरोपियन माइम, यूरोपियन कला है हम उसको कॉपी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप केरला में देखेंगे तो उसका अपना स्टाइल है, मणिपुर का माइम देखेंगे तो उसका अपना स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल भी बन रहे हैं, लैंग्वेज भी बना रहे हैं सब लोग। तो ये जो तैयार होगा धीरे धीरे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है। कभी मौका मिलेगा तो हम चाहते हैं कि ग्वालियर में भी ऐसा कोई कुछ माइम का नेशनल लेवल पे एक फेस्टिवल हो तो आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और कितना वेरिएशन वैरायटी हो सकता है ग्रुप माइम में, थिएटर थिएट्रिकल माइम में, तो इसके लिए हम इंतज़ार में हैं, कभी होगा ये इच्छा है मेरा मन में। तो हम नेक्स्ट आइटम में जाएंगे, थोड़ा कॉस्ट्यूम बदल लेते हैं। Thank you.
Thank you.
और टेक्निक्स जो है जो हमने बैलून में आपको दिखाने की कोशिश किया है, ये ऑप्टिकल इल्यूशन है जो आप पेंटिंग में करते हैं। जैसा ये कुछ नहीं है फिर भी आपको लगेगा somebody is pulling and I am pulling somebody, okay? Nothing is there. Every action is, has its equal and opposite reaction. I am doing the opposite reaction and I am doing the wrong action. Reactions we create, and the Newton's third law, we apply all this and we do this Sankuchan and Prasaran. And the first item, when I walk, I just stiffen my muscles, so this leg becomes shorter, so I give this illusion, I create that illusion in Sankuchan and Prasaran. And that was the thing. This is the prasaran, and this way it moves. Slowly you can see this. In every item, you will see that we create everything. We create illusions using our body only, and showing our expressions, facial expressions, and body language, gestures, postures. And if we use sometimes the mudras, you see this is called Kartari Mudra. So we use it in smoking, the Kartari Mudra. So we have taken all these things from our Natyashastra, the traditional group of histrionic art. The grammar is written for us 2500 years ago. So I have taken all these things from that book. Not only one book, there are so many books. And I studied the Chitralakshana Sutra, Vishnu Dharma Puran, so all these painting and sculpture also. Since that way, then Ayurveda Shastra also for human body, that we have that five vayus, prana, apana, vana, samana, udana, vayus, how it works our body. All this I have studied and I teach in the school, the university students and my wife students, all this. This way it is gradually the mind art is developing. Thank you. My next item. Thank you.
Thank you.
Thank you.